हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीला और इसी कुकिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी और झटपट रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। अगर दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो सबसे पहला गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कच्ची मूंगफली ली है, इसे तेल में डाल देंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मूंगफली को करारी होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर मूंगफली क्रिस्पी हो गई है, अब इसमें राई जीरा डाल देंगे। राई जीरा चटक गया है, 3 से 4 बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 प्याज बारीक कट किया हुआ डाल देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देंगे। इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसी तरह से हल्का कलर चेंज होने तक ही फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को फिर से मिला देंगे। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, मिला देंगे सारी चीज़ों को फिर से। तो यहाँ पर हमें टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है ताकि वो बहुत ही टेस्टी लगे नाश्ते में। तो गाइस, आप ये रेसिपी एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो हमारे देखिए यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें चावल डाल देंगे, ये बचे हुए चावल थे, आप इसकी जगह ताजे बनाए हुए चावल भी यूज कर सकते हैं। तो पैन में हमने सारे चावल डाल दिए हैं, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, पनीर, आपको जो सब्जी अच्छी लगे वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो सब्जी अवेलेबल थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इस पर ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के मिला देंगे सारी चीज़ों को। तो गाइस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार है। नमक थोड़ा सा कम लगे तो ऊपर से आप और डाल सकते हैं और मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी बहुत ही झटपट और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।